हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं मटेरियल कंट्रोल का एक टॉपिक। आखिर मटेरियल कंट्रोल का मतलब क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एक शॉर्ट नोट इस पे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कॉस्ट पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सारे कॉस्ट कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, ये कैसे असंटेन किए जाते हैं, इनका एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, वो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट मटेरियल कंट्रोल इज एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। लेट्स सपोज मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं जो मैन्युफैक्चर करती हूँ वो करती हूँ ये आपके कैलकुलेटर्स। सो यहाँ पे अगर मैं ये कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, सो मेरा जो मोस्टली खर्चा होने वाला है वो इसके मटेरियल पे होने वाला है। या कोई भी अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जैसे मैंने जो ट्राइपॉड यूज़ किया हुआ है, या फिर जो मेरे पास ये फ़ोन है, या कुछ भी है, ये टेबल है, ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, ये इवन ये नोटबुक है, इसका जो मोस्टली जो सबसे बड़ा खर्चा है, या फिर कह लीजिए जो मेन खर्चा होता है, वो मटेरियल का खर्चा होता है। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, जिसको आप प्रोसेस करके, कन्वर्ट करके, या फिर जो है उसमें कुछ चेंजेस करके उसको फाइनल गुड्स की तरफ लेके जाते हो और फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हो, फाइनल गुड्स उससे बना देते हो। अब यहाँ पे जो आप मटेरियल का खर्चा कर रहे हो वो एक इम्पॉर्टेंट खर्चा है और उसका कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट सपोज आप जो हो मिठाई बना रहे हो, ठीक है, एक छोटी सी स्वीट की शॉप आपकी है या फिर स्वीट का काम आपका है, तो आपने मिठाई बनानी है। अब आपने क्या किया कि मिठाई के लिए जो आपका मटेरियल है वो है दूध, ठीक है, आप वो लेकर के आ गए हो। लेकिन अगर आपने उसको सही तरीके से, वो आपके लिए मटेरियल है, अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं रखा, सही तरीके से केयर नहीं की, सही क्वांटिटी में नहीं ख़रीदा, बहुत ज़्यादा या बहुत कम खरीद लिया, तो इन सिचुएशन में क्या होगा कि आपको लॉस हो जाएगा। कैसे लॉस हो जाएगा? आपने मंगा लिया एक महीने के लिए, जो है जो भी आपको मिठाई बनानी है, आपने एक महीने के लिए एडवांस में दूध बना के मंगा के रख लिया, तो अब उसकी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है। प्लस आपको उसकी स्टोरेज करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ख़रीदा है तो उसको सही जगह पे, सही प्लेस पे रखना होगा, जो कि वहाँ पे नुकसानदायक ना हो। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो उसको रखने के लिए स्पेसिफिक आपको जो है इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे कोल्ड स्टोरेज या नॉर्मल स्टोरेज या वेयर हाउस में कहीं स्पेस चाहिए, तो वहाँ का भी आपको खर्चा देना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट ये सारा मटेरियल जो आपने ख़रीदा है उससे रिलेटेड खर्चे, चाहे उसको ख़रीदने का खर्चा है, उसको संभाल कर रखने का खर्चा है, या फिर उसको सही लेवल तक बनाए रखने का खर्चा है, ख़राब होने से बचाने का जो खर्चा है, वो सारा आपका मटेरियल कंट्रोल कहलाता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हो, मेजर पार्ट है आपके प्रोडक्शन के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए। सो यहाँ पे मटेरियल का मतलब होता है कि आप जो है मटेरियल का कंट्रोल का मतलब होता है कि आप उसका केयर कर रहे हो, मटेरियल्स का, किसका, मटेरियल्स का, एंड उसकी कॉस्ट का, जो कि आपको अलग अलग स्टेजेस पे, चाहे वो प्रोक्योरमेंट का हो या फिर उनका अल्टीमेट कंजम्पशन का स्टेज हो, वहाँ पे हेल्प करती है। यहाँ पे इंक्लूड होता है प्रोक्योर करना, यानी मटेरियल को ख़रीदना, मटेरियल को स्टोर करके रखना, और जहाँ जहाँ जिस जिस प्रोडक्शन यूनिट्स में प्रोडक्शन वाले को आपके पास उसको चाहिए, उस तक उसको सही तरीके से पहुँचाना, प्लस कम से कम कॉस्ट पे उसको ख़रीद के लाना। कंसिस्ट यहाँ पे होता है कि कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए। देखो ये तो पता चल गया, इसमें इंक्लूड किया है मटेरियल कॉस्ट में, मटेरियल कंट्रोल में क्या क्या इंक्लूड होता है कि आप उसकी जो है प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, उसको स्टोर कर रहे हो, उसको सप्लाई कर रहे हो, मटेरियल रिक्वायरमेंट देख रहे हो प्रोडक्शन के लिए, और उसमें जो है कम से कम प्राइस पे उसको लाने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पे जो क्वांटिटी है वो आप कितनी लानी है, कितनी नहीं लानी, यानी कि एक मिनिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी लानी है। जैसे आपने देखा है ना कि कंपनीज में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोडक्शन होते हैं, बट स्टिल वो लोग कहते हैं कि कम से कम हमें अपने पास जो है 500 क्वांटिटी तो रखी होनी चाहिए, ताकि कभी प्रोडक्शन रुक के ना हो। अगर 500 से नीचे जा रही है, फटाफट ऑर्डर दे दो, ताकि अगर ये ख़त्म हो तब तक दूसरा लॉट आ जाए और हमारा प्रोडक्शन इस कारण से कभी भी ना रुके कि भाई माल ही नहीं पड़ा, मटीरियल नहीं पड़ा, कहाँ से प्रोडक्शन करें। सो इसीलिए प्रोडक्शन कभी इस कारण से
ना रुके कि मटेरियल नहीं है। सो कंट्रोल करना ऐसी उसकी क्वांटिटीज़ पे और क्वांटिटीज़ को जो है मेंटेन बना करके रखे रहना। दूसरी बात, कंट्रोल होती है पॉलिसीज, सिस्टम एंड प्रोसीजर्स जो कि कनेक्टेड है आपके प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल से। ठीक है, कि भाई आपकी जो मटेरियल्स आप लेकर के आ रहे हो उसके साथ जुड़े हुए जितनी भी पॉलिसीज़ है, सिस्टम्स है, उसको भी कंट्रोल करना। साथ ही साथ स्टोरेज ऑफ मटेरियल को भी कंट्रोल करना। जैसे कि अब आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ ले लिए, 100 प्रोडक्ट्स खरीदने की आपकी जो है, आपके पास जो स्पेस है उसमें आप सिर्फ 100 प्रोडक्ट्स रख सकते हो, लेकिन आपने 500 प्रोडक्ट्स का सामान खरीद लिया, तो यहाँ पे उसको कंट्रोल करना, उसको जो है स्टोरेज ऑफ जो मटेरियल है उसको कंट्रोल करना भी आपका मटेरियल कंट्रोल में आता है। साथ ही साथ कंट्रोल करना जो कि आपके इशू होते हैं यूसेज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, जैसे आपके कहाँ कहाँ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, जैसे एक कंपनी में कई जगह कई लोग प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, तो उनमें से कहाँ कहाँ किसको कितना यूज़ हो रहा है, कि उसको कितना इशू किया जा रहा है, तो वो इशू कैसे हो रहा है, सामान कैसे दिया जा रहा है बाकी लोगों को काम करने के लिए, तो वो चीज़ भी आपको कंट्रोल करनी पड़ती है। तो ये तो बात हुई मटेरियल कंट्रोल की। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आखिर क्यों ज़रूरत है मटेरियल कंट्रोल करने की, जाने दो चार प्रोडक्ट्स ख़राब ही तो होंगे और क्या ही होगा। तो यहाँ पे मटेरियल कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव है, जो रीज़न बिहाइंड द मटेरियल कंट्रोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, वो कुछ इस तरीके से है। जैसे परचेज करना आपके सारे मटेरियल लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस पे, यानी कि जब आप मटेरियल कंट्रोल करते हो तो वहाँ पे आप कुछ ऐसे रेशियोज निकालते हो, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज निकालते हो जहाँ पे आपको पता चलता है कि यार अगर मैं इतनी क्वांटिटी लूँगा तो मुझे वो कम से कम प्राइस पे मिल जाएगी कंपेयर टू अदर क्वांटिटीज़ के। तो यहाँ पे सारे मटेरियल्स को परचेज करना कम से कम पॉसिबल प्राइस पे, जो कि आपको रिक्वेस्ट क्वांटिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डिलीवरी देता हो, यानी कि डिलीवरी का भी प्राइस उसमें सही लग रहा हो, सब कुछ आपकी क्वांटिटी भी सही हो और आपको सही प्राइस पे भी मिल रहा हो। साथ ही साथ इंश्योर करना कि कोई एक्टिविटी जो है पर्टिकुलर प्रोडक्शन सफ़र ना करे जस्ट बिकॉज ऑफ मटेरियल एंड स्टोर्स, यानी कि आपका जो है मटेरियल का वांट की वजह से या स्टोर के वांट की वजह से आपका कोई काम ना रुके, आपका कोई जो है प्रोडक्शन ना रुके। साथ ही साथ मिनिमाइज करना आपके टोटल कॉस्ट को, यानी आपका मटेरियल में अगर खर्चा कम हो, थोड़ा सा मेंटेन हो जाए, तो आपका पूरा टोटल कॉस्ट यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ बोथ यहाँ पे एक्वायर करने से लेकर के अपने मटेरियल को अपने पास रखने के तक, देखो मटेरियल खरीद लेना इज नॉट जस्ट इनफ, यू हैव टू कीप इट विद योर सेल्फ। सो यहाँ पे व्हेन यू आर कीपिंग इट विद योर सेल्फ, अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस यू हैव टू इंकर्ड ऑन इट बिकॉज यू हैव टू मेंटेन इट, आपको जो है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। व्हेन आई एम सेइंग मेंटेन इट मींस आपको उसको जो है सही स्पेस में, सही जगह पे, सही तरीके से रखना पड़ेगा। सो वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी, सो वो वहाँ पे आप जो है कम से कम प्राइस में सब मैनेज कर सको। मेकिंग अवेलेबल रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द आइटम्स एंड मटीरियल्स एंड स्टोर्स फॉर प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग। साथ ही साथ जब प्रोडक्शन प्लानिंग हो रही है तो प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए जो है सारा रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट द आइटम्स, और साथ ही साथ मटेरियल्स जो है क्या स्टोर में है सबके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब मटेरियल कंट्रोल करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती है। हमने ये समझ लिया मटेरियल कंट्रोल क्या है, आखिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अब करेंगे कैसे, ये बात तो समझ आ गई क्या है, क्या फ़ायदे हैं, बट कैसे किया जाएगा, तो कैसा किया जाएगा, वो किया जाएगा कुछ इस प्रकार के टेक्निक्स के द्वारा। सबसे पहला जो है स्टॉक लेवल सेटिंग। स्टॉक लेवल सेटिंग्स यानी कि आपके स्टॉक की एक लेवल सेट कर देना। व्हेन आई एम सेइंग लेवल मींस मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। तो आपने स्टॉक मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल का वर्ड सुना होगा, यानी कि जब बात की जाती है मिनिमम स्टॉक लेवल की, तो यानी कंपनी के पास कम से कम इतना स्टॉक लेवल मेंटेन रहना जरूरी है ताकि कुछ इमरजेंसी हो जाए या कुछ हो जाए तो उसको यूज किया जा सके। और मैक्सिमम स्टॉक लेवल यानी कि इससे ज्यादा स्टॉक लेवल हम नहीं लेंगे। जैसे कि लेट सपोज एक दूध वाला है जो कि पैकेट्स, अमूल के पैकेट्स लेकर के बेचता है या इस तरीके के पैकेट्स लेकर बेचता है, तो उसके पास एक कूलिंग की फ्रिज है, बट उसमें सिर्फ जो है 100 थैलियां दूध की आ सकती हैं हाफ के जी की, तो
वो क्या करेगा, सिर्फ 100 थैलियाँ ही लेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने ज़्यादा ले ली तो मेरे पास इतने जो है रिक्वायरमेंट्स नहीं है, या मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं है कि मैं उसको सही तरीके से रख सकूँ, और बाहर रखूँगा तो ख़राब हो जाएगी। तो वो मैक्सिमम जो है 100 थैलियाँ ही लेता है, और मिनिमम यानी कि भाई मेरे कुछ पर्टिकुलर कस्टमर्स हैं, 10-12 कस्टमर्स हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे, और उनका टोटल मिला के 50 थैलियाँ तो मुझे यूज़ होना ही होना है लेट सपोज़। तो वो 50 थैलियाँ जो है 50 थैलियाँ तो लेगा ही लेगा, वो उसका मिनिमम स्टॉक लेवल है कि भाई इतना तो मेरा यूज़ होने ही वाला है। इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक लेवल सेट किया जाता है कि इससे नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए, और इससे ज़्यादा मटेरियल नहीं परचेज़ होना चाहिए एक टाइम पे, क्योंकि अगर ले लिया तो उसको संभालने की ज़रूरत पड़ जाएगी। दूसरा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि मुझे पूरे साल में 1 लाख यूनिट्स चाहिए, बट अगर मैंने अभी 1 लाख यूनिट्स पूरे बोल दिए तो उसको लाने का खर्चा, कैरी करने का खर्चा, अपने पास रखने का खर्चा, और उसको सही तरीके से मेंटेन करने का खर्चा, ये सब खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब मैं आइडिया लगाती हूँ कि एक काम करते हैं, मुझे पूरे साल में जो है लेट सपोज़ 12 लाख यूनिट्स का प्रोडक्ट चाहिए, तो हर महीने 1-1 लाख का मंगवा लेते हैं, तो यहाँ पर कि उस पर कितना खर्चा आएगा, यानी एक ऑर्डर को मंगाने का, उसको जो है संभाल के रखने का, और फिर उसको अगर ऐसे ही करेंगे तो 12 बार हमें ये करना पड़ेगा, तो उसका कितना खर्चा आएगा। तो इस तरीके से अगर वो भी बैठता तो एक काम करते हैं, 4 ऑर्डर मंगाते हैं, 4 ऑर्डर 4-4 लाख के, तो देखते हैं कितना खर्चा आएगा। सो इस तरीके से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी बैठेगी, ऐसी क्वांटिटी जो कि अगर हम ऑर्डर दे दें तो हमें आराम से प्राइस पे बैठ जाएगी, और कम से कम प्राइस पे बैठेगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा दिस पॉइंट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी एक वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ABC एनालिसिस की भाई कोई मटेरियल ऐसा है जो कि दिखने में छोटा सा है बट उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगाया है, तो वहां पे उस प्रोडक्ट की ज्यादा ध्यान रखना। इस तरीके से हर एक प्रोडक्ट पे किए जाने वाले खर्चे को 3 कैटेगरी में बांट देना, प्रोडक्ट को 3 कैटेगरी में बांट देना, मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांट देना, और समझना कि किसमें कितना ज्यादा खर्चा लग रहा है, और उसको उतनी ही ज्यादा अहमियत देना। उसी तरीके से परपेक्चुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड मटेरियल टर्नओवर रेशियो, इस तरीके से ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसका यूज करके मटेरियल का जो है कंट्रोल किया जा सकता है। So that is it for today guys, let's see you in the next video, till then take care of yourself and take care of your health, bye, good night.